फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल, संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल सूरत गुजरात से, और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सफेद दाग यानी कि ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो के बारे में। हमारे शरीर में मेलेनोसाइट्स नाम के कोष होते हैं जो मेलेनिन नाम के पिगमेंट का निर्माण करते हैं जो हमारे शरीर का कलर डिसाइड करता है। मतलब कि जितना ज्यादा बॉडी में मेलेनिन का प्रमाण होगा उतना त्वचा का कलर डार्क होता है, और जितना मेलेनिन का प्रमाण कम होता है उतना हमारी त्वचा का कलर लाइट होता है। ये मेलेनिन जो है वो सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारे शरीर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जिन एरिया में धूप का प्रमाण ज्यादा होता है वहां शरीर में मेलेनिन का प्रोडक्शन, त्वचा में मेलेनिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो ज्यादा धूप वाले एरिया के लोगों की स्किन डार्क होती है, और जिन एरियाज में धूप का प्रमाण कम होता है वैसे एरियाज के लोगों की स्किन जो है वो मेलेनिन की थोड़ी कमी की वजह से लाइट होती है। तो मेलेनिन का मुख्य कार्य है हमारे त्वचा को कलर प्रदान करना। कुछ कारणों की वजह से जब ये मेलेनोसाइट्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं तो जिस एरिया में, शरीर के जिस पोर्शन में मेलेनोसाइट्स की कमी होने लगती है वो एरिया में धीरे धीरे एक छोटे से पैच का निर्माण हो जाता है, वहां से मेलेनिन उड़ जाता है और त्वचा का कलर निकल जाता है और सफेद कलर का एक धब्बा या पैच बन जाता है जिसको हम विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा या सफेद दाग कहते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, उम्र के कोई भी ग्रुप में पैदा होने के बाद बच्चे से लेके यंग से लेके बूढ़े तक कोई भी एज ग्रुप के व्यक्ति को ल्यूकोडर्मा हो सकता है। ये एक ऐसा स्किन डिजीज है जो किसी भी पर्सन को हो सकता है। ये एक ऐसा स्किन डिजीज है जो नॉन इन्फेक्टिव है, जो इन्फेक्शन से, छुआछूत से, एक दूसरे के साथ खाने से, एक दूसरे के कपड़े पहनने से या एक दूसरे का जूठा खाने से नहीं फैलता है। दोस्तों, ये कुछ लोगों के दिमाग में ऐसी सोच होती है कि इसकी ट्रीटमेंट करने से ये बढ़ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितना जल्दी इस रोग की ट्रीटमेंट करेंगे ये उतना ही जल्दी क्योर होता जाता है। मतलब अगर ये रोग आपको होता है तो तुरंत ही इसकी ट्रीटमेंट आप शुरू कर दीजिए। अच्छा, इसके प्रोग्नोसिस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये इसके जो मोस्ट अफेक्टेड पार्ट्स हैं बॉडी के, उसमें हमारा ये जो एल्बो जॉइंट है ये ज्यादा अफेक्ट करता है, हमारे हाथ हैं, फिर हमारे लिप्स के आसपास का पोर्शन है ये ज्यादा अफेक्ट करता है। जिन लोगों को अपने फेस पे या नेक पे या चेस्ट पे हुआ है वो जल्दी और फास्ट क्योरेबल हो जाता है। जितनी उम्र कम होती है उतना इसका क्योर होने का जो रिकवरी है वो जल्दी होती है। जितनी ओल्ड एज में ये रोग होता है उतना रिकवरी स्लो हो जाता है। जिन एरिया में बाल है, हेरी एरिया जो है उसमें अगर पैच होता है तो वो जल्दी क्योरेबल होता है। और पुअर प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें तो जितना लंबे समय, जितना पुराना विटिलिगो है उसको क्योर होने में उतना ज्यादा टाइम लगता है। फिर एसेंशियल सर्फेसिस में क्योर होने में ज्यादा टाइम लगता है, और सेगमेंटल, अगर बॉडी के कोई भी एक पार्ट में अगर ये रोग है तो उसको क्योर होने में ज्यादा टाइम लगता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि विटिलिगो होने के क्या क्या कारण है। दोस्तों, विटिलिगो होने का सबसे पहला कारण ऑटो इम्यून है। हमारे शरीर की जो ऑटो इम्यून सिस्टम है जिसको हम रोग प्रतिरोधक प्रणाली कहते हैं, जो हमारे शरीर को रोग होने से बचाती है। कुछ कारणों की वजह से जब हमारी ये रोग प्रतिरोधक प्रणाली जो है, जो हमारी इम्यून सिस्टम है, वो हमारे मेलेनोसाइट्स को, बॉडी की इम्यून सिस्टम ही शरीर के मेलेनोसाइट्स को किल करने लगती है, और मेलेनोसाइट्स को किल करने की वजह से शरीर में मेलेनिन की डेफिशिएंसी होती है, और कोई भी एक एरिया से ये धीरे धीरे छोटे छोटे पैच जो स्टार्ट होते हैं ये पूरी बॉडी में फैल सकते हैं। दूसरा कारण है जीनेटिक। अगर मदर, फादर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर को ये रोग है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी भी नीचे आते हुए देखा जाता है। तीसरा, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर यानी कि पेट की खराबी की वजह से भी ये रोग होते हुए देखा जाता है। चौथा कारण, केमिकल एक्सपोजर, केमिकल कॉन्टेक्ट की वजह से भी ये रोग होता है। जो लोग ज्यादा केमिकल्स के कॉन्टेक्ट में आते हैं, ज्यादा पेट्रोल पूरा दिन हाथ पे लगा हुआ होता है, पेट्रोल के साथ पूरा दिन काम करते रहते हैं, या कोई भी केमिकल्स ज्यादा उनकी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आता है, ऐसे लोगों को भी ये रोग होने के चांसेस ज्यादा है। जो लोग मानसिक तनाव में यानी स्ट्रेस में रहते हैं उन लोगों को ये रोग होने के चांसेस ज्यादा है और फैलने के चांसेस भी ज्यादा है। डायबिटिक और हाइपोथायरॉइडिज्म के पेशेंट को ये रोग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और कोई ट्रॉमा यानी कि इंजरी होने के बाद भी ये रोग ज्यादा होते हुए देखा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि विटिलिगो के कितने प्रकार हैं।
दोस्तों विटिलिगो के दो प्रकार है मॉडर्न साइंस के अनुसार, एक है नॉन सेगमेंटल और एक है सेगमेंटल। नॉन सेगमेंटल का मतलब होता है जनरलाइज्ड विटिलिगो, यानी कि आंखों की ये जो आईलिड्स है हमारी, यहाँ पे लिप्स के आसपास हमारी जो ये फिंगर्स है, ये जो ट्रंक पोर्शन है, निप्पल्स है, जेनिटल पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स, ये कहीं पे भी हो सकता है, एक्सपोज्ड या अनएक्सपोज्ड एरिया में कहीं भी हो सकता है। सेगमेंटल का मतलब होता है कि शरीर के कोई भी एक पार्ट में, यानी कि अगर राइट साइड में हो गया या एक पोर्शन लेफ्ट साइड में ही हो रहा है, बाकी के पोर्शन में नहीं हो रहा है, उसको सेगमेंटल कहते हैं। दोस्तों मॉडर्न साइंस के अनुसार अगर इसके ट्रीटमेंट की हम बात करें तो मॉडर्न साइंस में इसमें ओरल और लोकल स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, कुछ इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग्स दी जाती है इम्यूनिटी को करेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो इसमें इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग्स भी दी जाती है। फोटोथेरापी दी जाती है यूवीबी लाइट्स के द्वारा, जो लोकल पार्ट्स, अगर मुझे यहाँ पे विटिलिगो है तो ये लोकल पार्ट्स में फोटोथेरापी दी जाती है अल्ट्रावायलेट यूवीबी रेस के द्वारा। और अगर कोई एक एरिया में नॉन प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव पैच है, जैसे कि यहाँ पे एक नॉन प्रोग्रेसिव पैच हो गया जिसका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, जो फेल नहीं रहा है, तो वैसी जगह पे शरीर के कोई भी अदर पार्ट से स्किन लेकर उधर स्किन लगा दिया जाता है और सर्जरी कर दी जाती है, लेकिन वो सिर्फ नॉन स्प्रेडिंग में ही होता है। दोस्तों ये हमने मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंगली विटिलिगो के बारे में चर्चा की। अब देखते हैं दोस्तों आयुर्वेद में इस रोग को क्या कहा जाता है। आयुर्वेद में इसको शित्र या श्वेत कुष्ठ या किलास के नाम से जाना जाता है। जब शुरुआत में येलोइश व्हाइट होता है पैच, तब इसको किलास कहा जाता है। जब ये पैच बिल्कुल व्हाइट, मिल्की व्हाइट होता है, उसको शित्र या श्वेत कुष्ठ कहा जाता है। दोस्तों आयुर्वेद में श्वेत कुष्ठ के जबरदस्त और चमत्कारी रिजल्ट्स देखे गए हैं। दोस्तों मैंने मेरी इतने सालों की प्रैक्टिस में आज तक श्वेत कुष्ठ के बहुत सारे पेशेंट्स को आयुर्वेद की मेडिसिन, आयुर्वेद की लाइफस्टाइल और योग के द्वारा ट्रीट किए हैं। दोस्तों तो आइए देखते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार इस रोग होने के क्या क्या कारण है। आयुर्वेद में सबसे पहला कारण बताया गया है विरुद्ध आहार, मतलब रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ द फूड। अगर जिस चीज के साथ जो नहीं खाना है, दूध के साथ अगर हम नमकीन चीज खाएंगे तो ये रोग होने के चांसेस ज्यादा है। आजकल की लाइफस्टाइल में जब हम बाहर खाना खाते हैं तो उसमें नमक वगैरह आता है, उसके बाद हम आइसक्रीम या दूध या मिल्क शेक का सेवन करते हैं, उससे ये रोग होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरा आयुर्वेद के हिसाब से कारण बताया गया है सप्रेशन ऑफ मतलब नेचुरल अर्जीज जो है उसको सप्रेस करने से, यानी कि अगर वॉमिटिंग हो रही है, गैस आपको आ रहा है, या आपको मोशन आ रहा है, या आपका कोई भी बॉडी का नेचुरल अर्ज है, उसको जब आप दबा के रखते हैं, सप्रेस करके रखते हैं, तो उससे ये रोग होने के चांसेस ज्यादा है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। बहुत ज्यादा खाना खाने वाले लोगों को भी ये रोग होता है। जो लोग खट्टा, नमकीन और मीठे का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं उन लोगों को भी ये रोग होने के चांसेस है, और जो लोग दही और मछली का ज्यादा सेवन करते हैं उन लोगों को भी ये रोग होने के चांसेस ज्यादा है। आयुर्वेद के अनुसार अगर रोग के प्रोग्नोसिस की बात करें तो रोग जितना नया है वो जल्दी ठीक होता है, और जितना पुराना होता जाता है ये उतना धीरे धीरे क्योर होता है या फिर ना भी क्योर हो सके। कुछ ऐसे प्लेस बताए गए हैं बॉडी के, जैसे कि हमारा लिप्स है, या तो हाथ और पैर के जो तलवे हैं, या तो हमारे जेनिटल पार्ट्स हैं, अगर उस जगह पे ये रोग हुआ है तो आयुर्वेद के अनुसार ऐसा कहा गया है कि ये क्योर नहीं हो सकता उन एरियाज में। लेकिन हमारी जो प्रैक्टिस है, डे बाय डे प्रैक्टिस में मैंने ऐसे देखा है कि इन एरियाज में होने वाले पैचेस भी क्योर होते हैं। आइए दोस्तों अब हम बताते हैं आपको कुछ होम रेमेडीज के बारे में। होम रेमेडीज में अगर जिन लोगों को ये रोग हुआ है तो विटामिन सी का सोर्स के स्वरूप में लाइम जूस या पपाया का सेवन कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते इस रोग में खाना बहुत अच्छा होता है, और उसके अलावा वॉलनट यानी अखरोट का सेवन भी आप रेगुलर रात को भिगो के सुबह कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक कॉपर की बोतल में रात को पानी भर के रख दीजिए, और सुबह उठ के निहार पेट, खाली पेट आप जो है वो कॉपर की बोतल में जो रखा हुआ पानी था उसको खाली पेट पीने का रखिए, उससे भी इस रोग में बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। हमारी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी देखी जाती है इस रोग में, इसीलिए हमें दाल, ओट्स या चने का सेवन इस रोग में करना ज्यादा हितावह होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी देखी जाती है, इसीलिए सुबह में उठ के 20 से 25 मिनट धूप का सेवन करना या विटामिन डी का इंटरनली लेना भी इस रोग में बहुत फायदेमंद देखा गया है। अब हम आयुर्वेद की बात करते हैं। दोस्तों आयुर्वेद में इसकी क्या क्या चिकित्सा है। आयुर्वेद के बेहतरीन हर्ब्स का नाम मैं आपको बताने वाला हूं, जिसका नाम है बाकुची।
बाकुची को आप पाउडर के फॉर्म में भी ले सकते हैं, बाकुची की टेबलेट भी मिलती है, बाकुची घनवटी, ये दो सुबह दो शाम आप खाने के बाद ले सकते हैं। बाकुची का तेल मिलता है, बाकुची के तेल को अफेक्टेड पार्ट पे आप अप्लाई करके सूरज की किरणें देके वहां पे बीच में मेलानिन का प्रोडक्शन करवा सकते हैं। इसके अलावा खदीर नाम की एक औषधि है जिसका खेर छाल क्वाथ बहुत फेमस होता है। खेर छाल होती है, खदीर की छाल, उसका आप उसकी त्वचा का खदीर छाल का क्वाथ आप सुबह काढ़े की तरह उबाल के पी सकते हैं। हल्दी का सेवन करना इस रोग में बहुत ही हितावह बताया गया है। और हरडे एक बेहतरीन और उत्तम औषध है इस रोग में सेवन करने के लिए। दोस्तों अगर हम पंचकर्म ट्रीटमेंट की बात करें तो स्नेहन और स्वेदन इस रोग में किया जाता है, लोकल एप्लीकेशन ऑयल से किया जाता है और उसके बाद स्वेदन यानी सूरज की किरणें दी जाती है। पंचकर्म में हम जिन लोगों को ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, जिनको बहुलोष अवस्था है, उन लोगों को हम पंचकर्म ट्रीटमेंट में वमन विरेचन ये ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसके बाद बस्ती करवाते हैं। वमन विरेचन और बस्ती के द्वारा कफ पित्त और वायु की उत्तरोत्तर ट्रीटमेंट होती है, शुद्धि होती है और रोग जल्दी से जल्दी क्योर होता है। काफी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं हमारे जो अब्रॉड में भी बैठे हुए हैं, उनको भी हम वहां पे जो पंचकर्म करवाते हैं। अभी रिसेंटली आपको मैं बात करूं, यूएस में मेरे एक पेशेंट है जिसको मैंने पंचकर्म ट्रीटमेंट के द्वारा इस रोग की ट्रीटमेंट की और उनको लगभग पूरी बॉडी में फैला हुआ था। दोस्तों आप मानेंगे नहीं, 8 महीनों की ट्रीटमेंट के अंदर उस पेशेंट को तकरीबन 80% ये रोग ठीक हो चुका है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम योग के बारे में, कुछ ऐसे योग है जो इस रोग से हमें जल्दी से जल्दी निजात दिलवा सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, ये रोग स्ट्रेस की वजह से भी होता है। जिन लोगों को मानसिक तनाव रहता है उनको ये रोग होने के और बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो योग इसमें किस तरह से हेल्प करता है ये देखते हैं। योग में दोस्तों हम कपालभाति रोज सुबह 15 मिनट, अनुलोम विलोम 15 मिनट, 5 मिनट भस्त्रिका और 5 से 10 मिनट भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों इस रोग में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या खाना चाहिए उसकी बात करते हैं। अगर आपको विटिलिगो है तो आपके लिए लौकी खाना, तुरई खाना, परवल खाना, टिंडा खाना, पालक खाना, मेथी खाना और ग्रीन पत्तों वाली वेजिटेबल्स खाना आपके लिए बेहतरीन है। मेथी का सेवन और मशरूम का सेवन भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया, आप सूरज की किरणों का सेवन भी कर सकते हैं विटामिन डी के लिए। अब क्या नहीं खाना है दोस्तों, नो सॉल्ट विथ मिल्क। याद रखिएगा, कभी भी आपको विरुद्ध आहार के स्वरूप में अगर आप देखने जाएं तो दूध और सॉल्ट का सेवन, दूध और नमक का सेवन साथ में नहीं करना है। अगर हमने नमकीन चीज खाई है, नॉनवेज खाया हुआ है तो आपको दूध बिल्कुल नहीं पीना है। दोस्तों दूध और दूध की प्रोडक्ट्स इस रोग में न लेना ज्यादा हितावह होता है। नेचुरल अर्जेस, जैसे मैंने आपको बोला कि बॉडी के जो वेग आते हैं, हमारे नेचुरल अर्ज है, उसको सप्रेस नहीं करना है। उसके अलावा हमें इतना याद रखना है कि अगर हम बहुत गर्मी में से घर पे बाहर से आए हैं तो हमें तुरंत ही ठंडा पानी नहीं पीना है, उससे भी ये रोग होते हुए देखा गया है। हमें इस रोग में कच्चे टमाटर, कच्ची प्याज, ग्रीन चिली, दही, कढ़ी, मूली, बैंगन और भिंडी का सेवन नहीं करना है। दोस्तों उसके अलावा बहुत ज्यादा खट्टे और नमकीन चीजें नहीं लेनी है, बहुत ज्यादा खट्टे फ्रूट्स का सेवन नहीं करना है। आपको खमीर वाली चीज यानी फर्मेंटेड चीज जिसको बिगाड़ के बनाया जाता है, जैसे खमन, ढोकला, इडली, डोसा, ब्रेड, इसको अवॉइड करना है। हो सके तो नॉनवेज को भी शुरुआत के 2 से 3 महीने तक आप अवॉइड करिए। और दोस्तों इसके अलावा उड़द का सेवन यानी ब्लैक ग्राम का सेवन हमको नहीं करना है। तो दोस्तों ये आज हमने यहाँ पे चर्चा की विटिलिगो के बारे में। दोस्तों विटिलिगो की ट्रीटमेंट हम हमारे क्लिनिक पे करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आयुर्वेद के माध्यम से विटिलिगो से अपने आप को जो है वो क्योर कर रहे हैं। आपको इस वीडियो में अभी हम यहाँ पे कुछ पेशेंट्स के बिफोर और आफ्टर के पिक्स बताने वाले हैं कि किस तरह से लोगों ने अपने विटिलिगो को आयुर्वेद के माध्यम से ठीक किया है। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख के बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके दोस्तों के साथ, आपके फ्रेंड सर्कल के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में दोस्तों शेयर करिए। हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे नीचे दिया गया है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आप हमारे रेगुलर अपडेट्स पा सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।